सारे शोज इस तरह के बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये भी मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल पैजेंट्स की है। 4 सब टाइटल्स और 2 मेन टाइटल्स की विनर रही हूँ मैं, तो मैंने उस साइड का जर्नी देख लिया एज अ कंटेस्टेंट, एज अ विनर, एज अ ब्यूटी क्वीन। एंड टुडे आज मैं जानती हूँ कि उस साइड का जर्नी कितना डिफिकल्ट था, एंड इट हैज़ हेल्प मी इमेंसली फॉर माय ग्रोथ, फॉर माय ग्रूमिंग, टू माय कॉन्फिडेंस, टू माय ग्रेस एंड माय पॉइज। इट हैज़ ओनली एडेड ऑन टू मी। हेंस मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरी लेडीज़ को भी सिमिलर प्लेटफॉर्म दूँ, जहाँ की वो आके अपना टैलेंट दिखाए दुनिया को, जाने उनके अंदर में कितनी खूबियाँ हैं। कॉन्फिडेंस से अगर वो करना चाहे तो मैं उनको ग्रूम करने के लिए फुल पावर दूंगी, एंड आई मेक श्योर स्टाइल हो या उनका सोशल लाइफ हो, आई मेक इट वर्थ वाइल। बीना एंड दिस इज़ गौरी, शी इज़ द डिसिप्लिन मैनेजर। पैजेंट को लोग जनरली समझते हैं कि 4 दिन हम जाएंगे और मज़े करेंगे, ऐसा नहीं होता। पैजेंट बेसिकली मीन्स इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, तो शी विल बी टेकिंग केयर अबाउट द डिसिप्लिन, एंड दैट्स माय मैनेजमेंट डायरेक्टर। शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग राइट फ्रॉम द मीडिया टू द ऑर्गेनाइजर एंड टू पुट इट ऑल थ्रू, शी इज़ द ओनली वन हु हैज़ बीन डूइंग इट। योग तुषार और अर्चना जी का ही रहा है। आज जो भी हूँ मैं, अर्चना मैम और तुषार सर ने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया था, एंड आफ्टर दैट दे हैव ग्रूम्ड मी इमेंसली कि मैं आज आपके सामने खड़े रह के बहुत प्राउडली, आज वो मुझे देख रहे ऑडियंस में, फीलिंग वेरी प्राउड दैट उन्होंने मुझे बनाया है और इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं अपने जैसे और बहुत बना सकती हूँ। हो रही है मुझे एक हमारी ही क्वीन एक अलग प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है और हमारे इस काम को आगे बढ़ा रही है, तो बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं इसको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करता हूँ। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ो और अपने जैसे ही लेडीज़ को और मोनिका को पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और मेरी फर्स्ट पैजेंट की विनर है वो, और उन्होंने ये जर्नी आज आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम आज इन्होंने लॉन्च पार्टी आप लोगों के लिए रखी। प्लीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको आप सहयोग करें, इनको सपोर्ट करें और इनको आगे लेकर। श्वेता खंडूरी है, एक्ट्रेस है, मॉडल है, अभी इनकी एक रिसेंटली फिल्म भी आई थी मेरी शर्मा जी की लग गई, और उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने गाना किया था, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और आज मोनिका आप भी आओ ना, इनको विश करने आइए। Yeah, definitely. First of all, congratulations, Monica. And I have judged a lot of patrons, and I've been a part of it also. So I know this side and that side both the ways. Yes. One thing I always say that women are multitaskers, and they should come out and show the talent to the world, not just to the world but to themselves also, because this is very important. It gives them a lot of courage, lot of confidence. And I think each and every woman deserves that. So wish you all the very best. Thank You're doing so wonderful much. Things. Thank you so much. And Inka event, right? Yes, yeah, I am so. The organizer. I think हम लोग सबका सहयोग इनके साथ है, एंड दैट्स इट। आई थिंक ऑल वी नीड हर टू गिव हर इज द ब्लेसिंग्स, दैट्स इट। थैंक यू सर। या दैट्स ऑल वी कैन गिव यू, दैट्स मोर देन एनफ। या बाकी मौका मिलना चाहिए हर कोई जो है, वो एक मिस इंडिया है इन द ओन वे। और अगर आप में टैलेंट है, ब्यूटी है, डेफिनेटली व्हाई नॉट, एवरी वुमन इज वुमन ऑफ सब्सटेंस। और अगर प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे उनको ये दिखाने का मौका मिले, तो व्हाई नॉट समथिंग लाइक दिस। सो गुड लक टू ऑल द मिसेस इंडिया फ्यूचर कंटेस्टेंट्स, एंड आई एम श्योर दे विल रॉक। थैंक यू वेल, आई एम देयर इन ऑल पॉसिबल वेज, सो आई एम अ डांसर, कोरियोग्राफर, सो व्हाटएवर दे वांट आई एम ऑलवेज देयर। दे आस्क्ड मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड व्हाई नॉट। मैंने कहा कि हर लड़की जो होती है उसमें एक हुनर होता है, एक ब्यूटी होती है, उसको रिकग्निशन देना पड़ता है। दिस प्लेटफॉर्म इज वन दैट्स गोइंग टू डू दैट, सो कम आउट एंड शाइन हियर। मैं देता हूँ रेनी मिसेज इंडिया 2019 की जो इनॉग्रेशन हुई है, जो आज शुरुआत हुई है, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस हर। और ये जो एक बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म दे रही हैं मैरिड वुमेंस को, ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि दुनिया बदल गई। अब शादी के बाद औरतें क्या समझती हैं कि हम तो घर में बैठ गए, नहीं। इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, एनकरेजमेंट है शादीशुदा औरतों के लिए। अभी कुछ समय पहले मैं तुषार इनके इवेंट में मैं पूना गया था, एक इवेंट ऐसे ही था मिसेज इंडिया, बहुत हैपनिंग था, बहुत मज़ा आया था।